हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज टमाटर की सब्जी, या जिसे आप प्याज टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी है ये और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे बिगनर भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं प्याज टमाटर की सब्जी। प्याज टमाटर की सब्जी बनाने के लिए, या जिसे आप प्याज टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं, उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का ऐड करा है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए, इसमें से हीट आनी शुरू हो चुकी है, तब इसमें हम आधा चम्मच जो है राई ऐड करेंगे। राई को तड़कने दीजिएगा और जीरा, आधा चम्मच जीरा ऐड करा है मैंने, इसको भी तड़कने देंगे हम। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 लहसुन की कली ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये। 2 से 3 हरी मिर्च, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बिल्कुल सिम कर दिए जिससे हमारे लहसुन जले नहीं। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसको ऐड कर रही हूँ। अब प्याज टमाटर की चटनी है तो प्याज टमाटर तो उसमें अच्छे डलेंगे ही, जब इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और इसे हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा जो है कच्चापन चला जाए और ये हल्के से ट्रांसलूट हो जाए, बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। प्याज को हमने हल्का सा भून लिया है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है और इसका कच्चापन हल्का सा हटा है, बस इतना ही हमें करना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसको भी हम अच्छे से हम जब तक फ्राई करेंगे, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते थोड़े, जल्दी सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। इसे क्या होता है, नमक डालने से हमारी जो सब्ज़ी है, कोई भी हो जाए, टमाटर हो या प्याज हो, जल्दी पक जाते हैं। इसे हल्का सा हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे पहले। आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर हैं सॉफ्ट होने शुरू हो चुके हैं। इसे मैंने स्पैचुला की मदद से ऐसे प्रेस कर करके ऐसे इसको भून रही हूँ मैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, ये बिल्कुल आधे से भी कम लिया है मैंने। धनिया पाउडर, 1 चम्मच का करीब धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। लाल चिली पाउडर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा, ध्यान से ऐड करिएगा, क्योंकि पहले आपने हरी मिर्च भी इसमें ऐड करी है, तो बहुत ध्यान से ऐड करिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छा सा लाल कलर देने के लिए इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, 1 पिंच के करीब। आप चाहें तो इसे बिना फूड कलर के भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर आती है ये, पर मैं इसमें हल्का सा कलर देने के लिए इसमें 1 पिंच के करीब फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये बाज़ार में इसलिए अवेलेबल है, आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से इसे आसानी से ले सकते हैं। और इसे अब मैं ग्रिल लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। लीड हटा रही हूँ मैं, गैस का फ्लेम कम कर दिया है मैंने। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें चीनी का ऐड करूँगी। ऐसे स्पैचुला की मदद से टमाटर को ऐसे प्रेस कर करके आप इसे भून लीजिएगा ऐसे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये। इसे आप बिगनर जो हैं, जिन्होंने कभी सब्जी वगैरह नहीं बनाई है, वो भी इसे आसानी से ट्राई कर सकते हैं। या यकीन मानिए, एक बार वो सब्जी बनाएंगे ना तो बार बार इस तरह से ही बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच जो है चीनी का ऐड कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि चीनी डालने से तो इसका जो फ्लेवर है वो मीठा हो जाएगा, पर हमने टमाटर भी डाला है। अब इसमें हम 1 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे जो हमारी चीनी को, चीनी का जो बैलेंस है इसको बराबर कर देगा, यानी कि खट्टा मीठा बनकर आएगी सब्जी हमारी। अब मैंने इसमें 2 चम्मच जो है विनेगर, जो वाइट विनेगर होता है ना, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना, वो ऐड करे हैं इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। खट्टी मीठी सब्जी बनकर हमारी तैयार होगी ये। अब मैं इसको फिर से 1 से 2 मिनट की लीड लगाकर सब्जी को पकने दूंगी, जिससे कि जो हमने विनेगर और चीनी ऐड करी है ना, वो अच्छे सब्जी में मिक्स हो जाए। मीडियम से हल्का सा कम कर दिया है मैंने फ्लेम।
एक दो मिनट हो चुके हैं, अब अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। लीड को मैंने एक तरफ रख दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर दिया है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हुई है हमारी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको सर्व करने के लिए एक बाउल में सिप कर रही हूँ। हमारी प्याज टमाटर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही यम्मी लग रही है देखने में ये, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा सब्जी बनाने का मन नहीं होता और हमें एक ऐसी सब्जी बनानी होती है जो बहुत ही जल्दी बन जाए और टेस्टी भी हो। तो एक बार इस रेसिपी को आप बनाकर देखिएगा, बच्चे बड़े सभी इसी को बनाने को कहेंगे आपको बार बार, और बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे सब्जी। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे। इसे आप किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं, जैसे पराठे के साथ, चपाती के साथ, डोसे के साथ, इडली के साथ, किसी के साथ भी। तो एक बार इस रेसिपी को बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।